दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का आतंक तो पंजाब, राजस्थान सहित पूरी दुनिया जान चुकी है। लेकिन दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का एक ऐसा भी कांड है जो गोलियों की भयानक तड़तड़ाहट से पूरा राजस्थान गूंज उठा था। और इस कांड को अंजाम पुलिस स्टेशन के पास ही दिया गया था, जिससे पूरे राजस्थान को पता चला कि लॉरेंस की बात न मानने पर क्या हाल हो सकता है। तो चलिए जानते हैं लॉरेंस का वो कांड जो पूरा राजस्थान हिल चुका था। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये चैनल किसी भी गैंगस्टर को समर्थन नहीं करता है, और ये वीडियो बनाने का मतलब है सिर्फ आपको जागरूक करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। समय था 2017 का, जब लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग में कई मेंबरों को लगातार भर्ती कर रहा था, और उसको अपनी गैंग चलाने के लिए लॉरेंस को पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो उसने राजस्थान में जमीन कब्जा और सुपारी लेना शुरू कर दिया था। इसी बीच लॉरेंस को जोधपुर के वासुदेव इसरानी के बारे में पता चला। आपको बता दूं कि वासुदेव इसरानी जोधपुर का एक बड़ा व्यापारी था जो हमेशा सोना पहनकर चलता था। अगर उसको जोधपुर का गोल्डमैन कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और इधर लॉरेंस बिश्नोई ने वासुदेव से फिरौती वसूलने की प्लानिंग बना लिया था। लॉरेंस ने अपने गैंग मेंबर को वासुदेव की दुकान पर भेज दिया था। वासुदेव इसरानी का एक बहुत बड़ी मोबाइल की दुकान थी। वही दुकान पर लॉरेंस गैंग का मेंबर आया था और दुकान में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वासुदेव के पास फोन किया और फिरौती मांगी। लेकिन इसरानी भी बिना डरे फोन पर बोला कि एक भी रुपया नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। जब लॉरेंस को इस बात का पता चला कि इसरानी उसको हल्के में ले रहा है, तो लॉरेंस ने उसकी डेथ वारंट निकाल दिया। मेरे कहने का मतलब है कि लॉरेंस ने इसरानी को जान से मारने की प्लानिंग बनाया, जिसके बाद वासुदेव इसरानी अपना जन्मदिन मना रहा था। और उसी दिन इसरानी को धमकी मिली थी कि तू अपना अगला जन्मदिन नहीं मना पाएगा। तब लॉरेंस ने अपने कई गैंग मेंबर के पास फ़ोन घुमाया और इसरानी को मारने के लिए शूटर तैयार कर दिया। और फिर 16 सितंबर को सभी शूटर जोधपुर आए और इसरानी के घर और दुकान की रेकी की। और फिर अगले ही दिन 17 सितंबर को रात के समय जब इसरानी अपने दुकान के बाहर आया, जैसे ही बाइक से सवार तीन हमलावर आए और इसरानी को लगातार ताबड़तोड़ गोलियों से छल्ली कर दिया। और इस हत्याकांड से पूरे राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई का खौफ बन गया था। हालांकि इस हत्याकांड में जितने भी शूटर शामिल थे, पुलिस ने सभी को अरेस्ट कर लिया था। तो दोस्तों, ये था लॉरेंस बिश्नोई का ऐसा कांड जो पूरा राजस्थान हिल गया था। पर वासुदेव इसरानी जैसे ही कई व्यापारी गैंगस्टरों के हाथों मारे जाते हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए कि उनके पास खून पसीने से कमाई हुई पैसों से थोड़ी बहुत उन्नति हो जाती है और फिर गैंगस्टर के हाथों मारे जाते हैं। फिलहाल दोस्तों, ऐसे अपराध करने वाले गैंगस्टरों के साथ क्या होना चाहिए, अपना राय कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।